देती हो, उसके बाद हाथ उठा के यहाँ से वहां तक सब आवाज एक साथ देना, ये बाबा साहेब का नारा है। कोई घास काटने वाले किसी का संत वंतों का नहीं है कि तुमने घास ही काट दी और बस छोड़ दिया। तो पहले बोलती हूँ जय भीम। बहुत अच्छा। कम तक जो लोग घरों में बैठे हैं उनके कानों तक आवाज पहुंची। आज माता रमाबाई जी का जन्मदिन है और ये बात 100% सही है कि अगर माता रमाबाई वो त्याग और बलिदान ना करती तो बाबा साहेब ने जो हमें अधिकार दिलाए, बाबा साहेब वो हमें अधिकार ना दिलाए होते और आज भी हमारे आगे वही कुल्हड़ और पीछे झाड़ू होती, हम इस देश के शासक कभी नहीं होते, बड़े बड़े मंचों पर हम दहाड़ नहीं होते और आज हमारे जैसी न जाने कितनी महिलाएं अपने घरों के अंदर दूसरों के काम करते हुए, दूसरों की गुलाम करती हुए, गुलामी करते हुए ही नजर आती। लेकिन ये जो सम्मान की जिंदगी दी है इसका सारा का सारा श्रेय ये राखी रावण माता रमाबाई को देती है कि अगर माता रमाबाई बाबा साहेब का साथ नहीं देती, बाबा साहेब के साथ देने के लिए उन्होंने अपने चार चार बच्चे बलिदान किए, माता रमाबाई ने अपने आप को जर्जर करके मिटा दिया, माता रमाबाई ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, माता रमाबाई ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए या नहीं मिल रहा है। जब हम यहाँ आए थे तो शशि भूषण जी एक मार्मिक घटना माता रमाबाई के जीवन की बता रहे थे कि बाबा साहेब का सम्मान था और माता रमाबाई को जाना था, लेकिन माता रमाबाई के पास इतनी भी एक ऐसी साड़ी नहीं थी जो माता रमाबाई उस साड़ी को पहनकर अपने पति के सम्मान समारोह में जाती, लेकिन माता रमाबाई बाबा साहेब के पीछे पीछे चली जाती हैं और बाबा साहेब की नजर माता रमाबाई पे पड़ती है। तो आकर बाबा साहेब, मैं बात को आगे से बढ़ाती हूँ कि माता रमाबाई बाबा साहेब माता रमाबाई से घर आकर माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो पगड़ी बाबा साहेब को किसी सम्मान में मिली थी वही पगड़ी को धोती बनाकर माता रमाबाई पहन कर गई थी और जाते जाते वो धोती सुकड़ कर घुटने तक आ गई थी, लेकिन माता रमाबाई अपने आप को छिपाते हुए दूर दे बैठी हुई थी कि कहीं साहब मुझे देख ना लें। लेकिन बाबा साहेब माता रमाबाई को देख लेते हैं और अपने घर वापस जाके माता रमाबाई के सामने रोते हैं कि रामू मुझे माफ कर देना। क्यों माफ कर देना? उन्होंने कहा कि रामू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं 7 करोड़ अछूतों का नेता बन रहा हूं, मुक्ति दाता बनने जा रहा हूं, लेकिन रामू मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी खरीद कर दे दूं, अपनी रामू के लिए नए वस्त्र ला कर दे दूं। माता रमाबाई की आंखों में आंसू आते हैं, बाबा साहेब की आंखों से भी आंसू बहकर निकलते हैं। माता रमाबाई कहती है कि साहब मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए, मुझे अपने बदन पर नए कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन साहब मुझे वो चाहिए कि इन 7 करोड़ अछूतों को इस देश का शासक आपको बनाकर ही दम लेना है, मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए। ऐसी थी माता रमाबाई। और अगर माता रमाबाई बाबा साहेब को रोकने का काम करती तो बाबा साहेब हमें कुछ भी नहीं दिला पाते। बाबा साहेब के बेटे का जिक्र भी भाई शशि भूषण जी कर रहे थे और ये वही समय था कि जब घर के अंदर राज रतन की अंतिम सांस चल रही थी और माता रमाबाई बाबा साहेब के सामने रोई कि साहब आप तो ये कहते थे कि मैं राज रतन को नहीं मरने दूंगा, राज रतन एक दिन इस देश का शासक होगा, आपने मुझे झूठा वचन दिया, आप तैयार होकर कहां जा रहे हो? बाबा साहेब ने कहा कि नहीं रामू, मैंने तुम्हें झूठा वचन नहीं दिया था, हाँ मैं आज भी कह रहा हूँ कि राज रतन एक दिन इस देश का शासक होगा। माता रमाबाई ने कहा कि नहीं होगा ये शासक, ये कुछ ही पल का मेहमान है, इसकी अंतिम सांस चल रही है और आप फिर मुझे झूठा वचन दे रहे हो, झूठी दिलासा दे रहे हो। तब बाबा साहेब ने रोते रोते राज रतन को माता रमाबाई की गोद से अपनी गोद में लिया और कहा कि कोई बात नहीं रामू, हमारे 3 बच्चे हमें छोड़कर पहले ही मर गए हैं या चले गए हैं, क्योंकि बाबा साहेब के 3 बच्चे
जिनमें एक बेटी थी इंदु और दो बेटे थे, एक रमेश और एक गंगाधर। तीन बच्चे पहले ही मर गए थे और चौथा बेटा मरने वाला था राज रतन। तो बाबा साहेब ने कहा कि रामू कोई बात नहीं, हमारे तीन बच्चे हमें छोड़कर पहले ही मर गए हैं या चले गए हैं, लेकिन रामू तू मुझे आज लंदन जाने से मत रोक। क्यों नहीं रोक? क्योंकि इस देश के अंदर जो हमारे ये 7 करोड़ अछूत बच्चे हैं, उस समय पूरी भारत के अंदर हमारी जनसंख्या 7 करोड़ थी, देख लेना। बाबा साहेब ने कहा कि रामू इस भारत के अंदर जो हमारे ये 7 करोड़ अछूत बच्चे हैं, जिनके पास कुछ भी अधिकार नहीं है, जिनका जीवन पशुओं से भी बेकार है, जो राज रतन से भी ज्यादा बीमार हैं, जो मनुस्मृति के नरक को हजारों हजारों सालों से झेल रहे हैं, रामू आज मैं इन 7 करोड़ अछूतों को इस देश का शासक बनाने के लिए रामू लंदन जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वचन देकर जाता हूँ कि जब मैं लंदन से अधिकार लेकर भारत में वापस लौटूंगा तो इन्हीं 7 करोड़ अछूतों के घर में रामू हमारे बच्चे होंगे, यानी कि एक रमेश, एक इंदु और एक गंगाधर, इन्हीं और एक राजरतन, इन्हीं 7 करोड़ अछूतों के घर में पैदा होंगे और वो इस देश के शासक होंगे। रामू मैं उन्हें अधिकार दिलाऊंगा। और बाबा साहेब अपना बैग उठाते हैं और लंदन के लिए चले जाते हैं। उसी समय की दो लाइन ज्यादातर हर जगह देती हूँ, यहाँ भी देकर जाऊंगी कि बाबा साहेब ये लाइन जरा अपने ऊपर सोचना कि घर में अगर तुम्हारे कोई प्रियजन की मौत हो रही हो तो तुम ठीक से उठ बन नहीं पाओगे, लेकिन बाबा साहेब का बेटा मर रहा है और बाबा साहेब हमें अपने अधिकार दिलाने के लिए लंदन के लिए जा रहे हैं। तो वो लाइन क्या है? ये दो लाइन है। एक लाइन में बाबा साहेब के बेटे का जिक्र है और दूसरी लाइन में इस समाज को क्या करना है वो है कि बाबा भीम के जीवन का एक ऐसा फसाना है, कैसा फसाना है कि बाबा भीम के जीवन का एक ऐसा फसाना है, कैसा फसाना है कि घर में लाश बेटे की इन्हें लंदन को जाना है, इन्हें लंदन को जाना है, इन्हें लंदन को जाना है। और बाबा साहेब ने हमें इस समाज को क्या करने के लिए कहा, आगे की दो लाइन में वही है, बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारी माँ भाइयों। ये आपको लग रहा होगा कि बड़ी आसानी से आ जाता है, ये बहुत मुश्किल के साथ बाबा साहेब ने हमें दिलाया है। इतना टाइम नहीं है कि हम सारी बात कह सकें, बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखने जा रही हूं, तो इसलिए इन लाइनों को समझना। बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवा भाइयों, इसे पीछे नहीं करना, इसे आगे ले जाना है, इसे आगे ले जाना है के बाबा भीम के जीवन का कैसा फसाना है, कैसा फसाना है। और बाबा साहेब अपने मरते हुए बेटे को छोड़कर लंदन में चले जाते हैं। लंदन में बाबा साहेब अंग्रेजों से, हिंदुओं से शेर की तरह दहाड़ कर आज जितने भी अधिकार हमारे पास हैं वो सारे के सारे बाबा साहेब हमें लंदन में दिलाते हैं। और अभी जो बात कह रहे थे कि अगर बाबा साहेब लंदन के अंदर गलती से भी ये कहते थे कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू हैं तो हमें एक भी अधिकार नहीं मिल रहा होता और आज भी हमारी दशा, क्योंकि वो कहते कि तुम भी हिंदू हो और ये भी हिंदू हैं तो फिर तुम्हें स्पेशल अधिकार किस लिए चाहिए। आज जो ये बहुजन समाज बहुत इकरा कर चलता है, इनकी जेबों के अंदर नोट आ गए हैं, राजनीति में जाकर अपने समाज को, बहुजन समाज को नहीं देखते हैं, लेकिन ये भूल गए कि ये अधिकार तुम्हें किस लिए दिलाए। बाबा साहेब की एक बात भी मेरे भाई कह रहे थे कि जिस समाज के बीच 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर पैदा हो जाए और 10 जज पैदा हो जाए तो वो समाज कभी पीछे नहीं जाएगा, लेकिन ये बहुजन समाज बाबा साहेब के दिलाए हुए अधिकारों के कारण ऊंचे से ऊंची कुर्सी पर तो पहुंचा, लेकिन ये बाबा साहेब के त्याग और बलिदान को भूल गया, ये बाबा साहेब के संघर्ष को भूल गया। अरे ये रम गए अपने परिवारों में, ये रम गए अपने बीवी बच्चों में, अपने घर में खर्च करते हैं लाखों लाखों रुपया, लेकिन जहां बाबा साहेब के प्रोग्रामों की भी बात आती है ये जेब से निकालते हैं 150 रुपया और
पूरा नहीं होगा और ना ही बाबा साहेब का मिशन पूरा होगा। अगर तुम बाबा साहेब को पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। कितना संघर्ष बाबा साहेब ने किया, आज जिस भारतीय संविधान के बल पर हम इस देश के शासक बने हुए हैं, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि बाबा साहेब ने कितने संघर्ष करके संविधान सभा में पहुंचे। संविधान सभा में पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी। बाबा साहेब को दिल्ली से चुनाव हरा दिया गया और बाबा साहेब फूट फूट कर रोए कि अब मैं संसद में कैसे जाऊंगा, कैसे अपने बच्चों के अधिकारों को बचाऊंगा, भारत का भावी संविधान बनेगा तो पता नहीं ये लोग मैंने जो अधिकार लिए हैं उन अधिकारों के साथ क्या करेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा कर दी कि ये डॉक्टर अंबेडकर संसद के दरवाजे तो क्या रोशनदान और खिड़कियों तक भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन बाबा साहेब तो बाबा साहेब से, बाबा साहेब ने चुनाव जीत लड़ा और बाबा साहेब दिल्ली से चुनाव हार गए। इन लोगों ने बाबा साहेब को चुनाव हरा दिया और तब बाबा साहेब रो रहे थे, उनके एक साथी ने कहा कि साहब आप मत रो, आप हिम्मत मत हारो, अभी बंगाल में चुनाव होना बाकी है, ये हमें जानना होगा कि किसके सहारे बाबा साहेब संसद में पहुंचे। हम जोगेंद्रनाथ मंडल जी के भी ऋणी हैं। बाबा साहेब बंगाल से चुनाव लड़े, जोगेंद्रनाथ जी ने अपने सीट पर उन्हें चुनाव लड़वाया और जिस दिन चुनाव हो रहा था मनुवादियों ने पूरी ताकत लगा दी कि हम इस समाज को वोट ना डालने दे, लेकिन हमारे समाज की एकता देखो, हमारे समाज का संगठन देखो, लोगों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम डॉक्टर अंबेडकर को जिताकर ही दम लेंगे। और वहां पर हमारे बहुत सारे बुजुर्ग भी थे, उन्हीं के अंदर एक बुजुर्ग थे भुज सिंह जिनका नाम था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी बुजुर्ग क्या कर पाएंगे, लेकिन जब अगर ये बुजुर्ग अपनी सी पर आते हैं तो यही सब कुछ कर पाते हैं। उन्होंने तलवार को हवा में लहराया और कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को किसी ने हराने की कोशिश की तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, कोई भी डॉक्टर अंबेडकर को हराने की कोशिश ना करे। और बाबा साहेब भारी मतों से जीतकर संसद के अंदर पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की घोषणा को गलत साबित कर दिया। लेकिन तिलक जी का नारा अगर सुनोगे तो तिलक जी भी ये कहते थे कि ये बहुजन लोग यानी के पान तेल बीड़ी बेचने वाले लोग राजनीति में जाकर क्या करेंगे, अरे इन्हें राजनीति से क्या लेना देना है। लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि तिलक तेरे जैसे न जाने कितने आए और कितने धूल को चाटते हुए चले गए, अरे तिलक अब ये बहुजन समाज का ही समय आएगा और ये बहुजन समाज इस देश का शासक होगा, मैंने ऐसा प्रावधान करके रख दिया है। और आज बाबा साहेब के संविधान के कारण क्या ये बहुजन समाज शासक नहीं बना हुआ है कि बहन मायावती को सब लोग ये कहते हैं, ये मनुवादी हम नहीं, ये मनुवादी कि बहन मायावती, अरे बहन भी नहीं कहते, वो तो ये कहते हैं कि क्या क्या है इस मायावती ने। लेकिन ये मेरा भाई अभी कह रहा था कि अरे अपनी कोई एक बेटी को एक दिन के लिए समाज के काम के लिए निकाल कर देखे, लेकिन हमारी बहन मायावती ने इसका अंदाजा हम जैसी महिलाएं लगा सकती हैं कि जो घर में भी काम करती है और समाज के लिए भी निकलती है, इसका अंदाजा हम जैसी लगा सकती हैं कि अगर एक महिला सुबह से शाम तक अपने घर से बाहर रहती है तो लोगों की नजरें भी उस पर टिक जाती हैं, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन बहन मायावती ने वो इतिहास रचा है कि कोई पुरुष भी नहीं रह सकता। अरे बहुजन समाज की पहचान बहन मायावती ने बनाई है, आयरन लेडी के नाम से बहन मायावती को जाना जाता है, इसलिए हमारी पूरी सपोर्ट बहन मायावती के लिए है। हम खुलकर बीएसपी के साथ हैं, हम बीएसपी के सपोर्टर हैं, हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि काशी राम जी का त्याग और बलिदान हम कभी भूल नहीं सकते। अरे ये वही मान्यवर काशी राम जी हैं जिन्होंने अपने इतने ऊंचे पद को ठोकर मारी और इस बहुजन समाज को इस देश का शासक बनाने के लिए साइकिलों पर निकल पड़ा। तुम निकल कर देखना जरा, एक दिन काशी राम जी की शादी होने जा रही थी और उनकी माँ एक सभा में आ गई, काशी राम जी एक सभा ले रहे थे पंजाब के अंदर ही, और उनकी मां रोते रोते आई कि बेटा तू शादी कर ले,
समाज के लिए शादी को मत ठुकरा। तो काशीराम जी ने कहा कि मां मुझे सहरा नहीं चाहिए। क्या चाहिए कोई बता सकता है कि क्या चाहिए? क्या कहा होगा उन्होंने अपनी मां को कि मां मुझे सहरा नहीं चाहिए, मुझे कफन चाहिए, मुझे इन बहुजनों को इस देश का शासक बनाना है। इसलिए काशीराम जी ने अपना जीवन इन बहुजनों को इस देश का शासक बनाने में लगा दिया और उनकी मेहनत रंग लाई। बहन मायावती को उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया और यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री बहन मायावती बनी। तो ये देन सिर्फ साहब काशीराम जी की है। इसलिए ना तो हम साहब काशीराम जी का त्याग और बलिदान भूलेंगे, ना हम ज्योतिबा फुले जी का त्याग और बलिदान भूलेंगे, ना हम संत गाड़गे का त्याग बलिदान भूलेंगे, ना हम सावित्री बाई का त्याग बलिदान भूलेंगे, ना हम बाबा साहेब का त्याग बलिदान भूलेंगे और ना हम माता रमा बाई जी का त्याग और बलिदान भूलेंगे। कभी नहीं भूलेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं भूलेंगे। इसलिए ये जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, तो अपने घरों में मायावती जैसी बेटियां पैदा करो। अरे एक मायावती नहीं, हमें सैकड़ों मायावती चाहिए। अगर बहन मायावती नहीं रहेंगी तो आगे की बागडोर कौन संभालेगा? नहीं सामने लाओगे अपनी बहन बेटियों को तो तुम फिर से गुलाम बनोगे। हिंदू धर्म में तुम्हें पैर की जूती समझा जाता है, पति की संपत्ति में तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर तुम हिंदू धर्म से चिपटी हुई हो या लिपटी हुई हो तो तुम्हें कोई भी हक नहीं है हिंदू धर्म में, पति की संपत्ति में भी नहीं है। और जब पति की संपत्ति में ही नहीं है तो पिता की में तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये संविधान कहता है कि मेरी बच्चियों, ये भारतीय संविधान तुम्हें अधिकार देता है कि अब तुम्हें पिता की प्रॉपर्टी में भी अधिकार होगा और पति की संपत्ति में भी तुम आधे की हकदार होगी और ससुर की संपत्ति में भी तुम आधे की हकदार होगी। ये दरवाजे क्या हिंदुओं के देवी देवताओं ने खोले? बहुत सारे लोग ये कह देते हैं जी ऐसा है, देवी देवताओं की बात मत करना और सीधे सीधे बाबा साहेब की बात करना। हमें देवी देवताओं की बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा ये बहुजन समाज इन्हीं देवी देवताओं के चक्रव्यूह में फंसा है। और हमें अगर अपने समाज का भला चाहना है या हम भला चाहते हैं और बाबा साहेब के संकल्प को हमें पूरा करना है तो फिर इन देवी देवताओं की सच्चाई लानी होगी या नहीं? बोलो, मुझे जवाब चाहिए। तो फिर ये क्यों कहते हैं जी देवी देवताओं का चिकरा नहीं आना चाहिए? बाबा साहेब ने अपने 21 वॉल्यूम का सेट जो लिखा उसी के अंदर बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की पहली एक बुक है उसमें पढ़ लेना। क्या बाबा साहेब ने इसलिए लिखा था कि मेरे बहुजन समाज के लोग इन्हें पढ़कर मुझे दफना देना और इस हिंदू धर्म को बढ़ावा देते रहना, इस मनुस्मृति को बढ़ावा देते रहना? तुम लोग बाबा साहेब को कभी नहीं समझ पाओगे। वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर और गांधी जी एक दिन हमारे वाल्मीकि समाज का वहां आंदोलन हुआ। लोगों ने गांधी जी को महत्व नहीं दिया और उन्होंने सफाई करनी बंद कर दी। गांधी जी गए वहां नेता बनकर, लेकिन गांधी जी की बात सुनने के लिए कोई नहीं आया। गांधी जी जाकर कई दिनों तक वहां ठहरे रहे लेकिन किसी ने भी गांधी जी की बात नहीं सुनी। अंत में क्या हुआ, जब इस बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहेब के आने का समाचार मिला कि बाबा साहेब आ रहे हैं तो लोगों की भीड़ लग गई। इतनी लंबी लंबी कतारें और पूरी सड़कें खचाखच भर गई कि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी आ रहे हैं और गांधी जी से मिलने बाबा साहेब सीधे पहुंचते हैं उनकी कुटिया में। तो बाबा साहेब से गांधी जी एक सवाल पूछ लेते हैं। गांधी जी को जलन हुई कि मैं इतने दिनों से ठहरा हुआ हूं लेकिन मुझसे मिलने के लिए लोग आ भी नहीं रहे हैं, मुझे कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के आने से पहले ही यहाँ सड़कें खचाखच भरी हुई है, आखिर इसका क्या कारण है? और उन्होंने बाबा साहेब से एक बात कह दी कि डॉक्टर अंबेडकर मुझे ये बताओ कि मुझ में और आप में क्या अंतर है, मैं भी तो इन लोगों के साथ इनकी भलाई के लिए आया हूं।
लेकिन बाबा साहेब गांधी जी को अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी को वो जवाब दिया कि गांधी जी की तो बोलती ही बंद हो जाती थी। बाबा साहेब ने अपनी एक बुक के अंदर लिखा है कि गांधी जी मुझसे मिलने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं गांधी जी से सवाल पूछता हूँ तो गांधी जी उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए गांधी जी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरे सामने आ जाए। और बाबा साहेब ने कहा कि गांधी जी आप ये कह रहे हो कि मैं इन लोगों के साथ हूँ, ठीक है, आप इन लोगों की दाई हो सकते हो। समझ लेना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन लोगों की दाई हो सकते हो। और दाई का काम है कि एक घर में मेहनताना लिया फिर दूसरे घर में जाना है, क्योंकि उसका पैसा है। लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि गांधी जी मैं इस समाज की दाई नहीं हूँ, गांधी जी मैं इस समाज की माँ हूँ, और माँ के साथ बच्चे हमेशा रहते हैं। गांधी जी बेचारे गोल हो गए और कुछ नहीं बोले, और बाबा साहेब ने वो आंदोलन सफल कराया। लेकिन आज हमारा ये समाज भी टूट गया है, और मैं अपने वाल्मीकि समाज की एक सच्चाई और बताकर जाऊंगी। वाल्मीकि समाज का अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, यानी कि अपना इतिहास हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे वो भाई हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के नियमों का कट्टरता से पालन किया। इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए तुम हमारी गर्दनें उड़ाओ, हमारी प्रॉपर्टी लो, हमारा सब कुछ छीनो, लेकिन हम भगवान बुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन लोगों को सबसे नीचे लाकर टपक दिया और इन्हें दबाया गया। इसलिए ये बेचारे वो कहते कि इन्हें चूर चूर कर दिया और इनका नाम रख दिया चूहड़ा, क्योंकि इनके स्वाभिमान को चूर चूर कर दिया गया। क्योंकि ये वही लोग थे जब ये मनुवादी लोग गाय भैंस काटते थे, उनकी बलि देते थे, तो ये उन्हें बचाने के लिए पहुंचते थे कि इन निर्जीवों की हत्या मत करो, तुम अपना भगवान बुद्ध का मार्ग अपना लो। लेकिन जब हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटती थी, तो भी ये हमारे भाई वहां पहुंचते थे। इसलिए इन लोगों को इन्होंने सबसे नीचे लाकर पटक दिया है, और हमारे भाई बैठे हैं ये बता देंगे कि अगर मेरी बात में जरा भी कहीं झूठ हो, अगर इन्होंने, क्योंकि ये आप पार्टी के नेता हैं, कोई बात नहीं, नहीं आप पार्टी से हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमारे लिए हर्ष की बात यह, मैंने यूट्यूब पे ने कई बार सुना है, और इनकी वाणी में वो जोश है जो हमारे इतिहास में बुद्धिस्टों के खून में होता था। इसलिए ये वही बात बोलते हैं, ये साबित कर रहे हैं कि मैं इस देश का मूल निवासी हूँ और संविधान को मानने वाला हूँ। इसलिए ये बहन मायावती का भी पूरी तरह से गुणगान करते हैं, मैंने कई यूट्यूब पर इनके भाषण सुने हैं, और हम भी इनके साथ हैं, क्योंकि जो संविधान के साथ है हम उनके साथ हैं। हम जाति कोई भी हो, अगर कोई ब्राह्मण संविधान के नियमों का पालन करता है हम उसके भी साथ हैं। इसलिए हमारी जो लड़ाई है किसी जाति से नहीं है, मनुवाद से है, मनुस्मृति के जो नियम है उनसे हमारी लड़ाई है। बाबा साहेब ने महिलाओं को जो अधिकार दिलाए, क्योंकि महिलाएं बैठी हैं वो सुनकर जाएं, बाबा साहेब से पहले तुम्हें कपड़ा पहनने की भी इजाजत नहीं थी। गांव में कोई मरता था उसके ऊपर जो कफन डलता था, शमशान घाट में उठाने के लिए उसे जाते थे, और एक साड़ी में से कई कई साड़ियां बनाकर ये महिलाएं पहनती थी, घुटने से लेकर केवल यहाँ तक थोड़ा सा कपड़ा लगाती थी, थोड़ा सा कपड़ा अपनी छाती को ढकने के लिए लगाती थी, बाकी वो नग्न अवस्था में चला करती थी। खाने के लिए मनु स्मृति में तुम्हारे लिए जब गांव में कोई पशु मरता था तो उसके मुर्दा मांस का इंतजाम मनु स्मृति में किया गया। पहनने के लिए कफन, खाने के लिए मुर्दा, और शिक्षा का द्वार तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया कि महिलाएं तो चाहे ब्राह्मण की भी हो लेकिन वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। महिलाओं को, इन बेचारियों को जब कृष्ण का राज आया तो इनको बेचा जाता था। पेशवाओं के राज में इन महिलाओं के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ
कि जब हमारे समाज की दुल्हन शादी होके आती थी इस बहुजन समाज की, कोई ये ना कहे कि केवल एक जाति की, नहीं, इस बहुजन समाज की दुल्हन जब शादी करके आती थी तो पहले वो एक या दो रात उस गांव के जमींदार के यहां बिताती थी। इतना जुल्म इस मनुस्मृति में तुम्हारे साथ हुआ, क्योंकि ये श्री कृष्ण कहता है कि नारी नर्क का द्वार है, नारी पाप योनि से पैदा है, नारी का मुंह नहीं देखना चाहिए। अगर ये किस नारी का मुंह नहीं देखना चाहता है, तुम सवाल उठाओ, अगर ये नारी नर्क का द्वार है, अगर ये नारी पाप योनि से पैदा हुई है, तो फिर हे श्री कृष्ण तुझे किसने पैदा किया है? तुझे तो एक नारी में नहीं पैदा किया होगा, क्योंकि तू उसी नारी का अपमान कर रहा है जिसने तुझे पैदा किया है। और दूसरी बात, गीता के अंदर लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने इस बहुजन समाज की 16,108 महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, किसी को महीने रखता, किसी को 10 दिन रखता और फिर उन्हें बाहर कर देता। उन्हीं महिलाओं के मेले लगते थे, उन्हें को बेचा जाता था और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें कहा गया हरिजन। हरिजन का मतलब होता है हराम की औलाद। कोई भी अपने आप को हरिजन ना कहे। बाबा साहेब ने संविधान के अंदर इस शब्द पर पाबंदी लगाई है। बाबा साहेब ने कहा कि जिस भगवान के दरवाजे तक हमें जाने की इजाजत नहीं, हम उस भगवान की औलाद कैसे हो सकते हैं? इसलिए हे मनुवादियों, हरिजन हम नहीं है, हरिजन तुम लोग हो, हम हरिजन नहीं है। और जो कोई भी हरिजन आपको कहे तो सीधा सीधा उसका मुंह बंद करके रखना। लेकिन तुमने बाबा साहिब को पढ़ा नहीं, उनकी बात को माना नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? बाबा साहेब जब संसद के अंदर पहुंच गए, संविधान लिखने का उन्हें मौका मिला और सारे के सारे अधिकार, उन्होंने सोचा कि अब भारत के संविधान में मैं सुरक्षित करके जाऊंगा। 7 सदस्यों की समिति बनाई गई, लेकिन 7 में से 6 लोग किनारा कर गए। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर इतना ज्ञान नहीं था कि इस भारत के संविधान को लिख पाते। बारिश आ गई है, इसलिए मैं जो लास्ट में बात बोलनी थी वही बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगी, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी यहां पर बैठे हैं। बाबा साहेब संविधान लिखते थे तो कैसे लिखते थे? बाबा साहेब एक रस्सी लेते और रस्सी का एक छोर पंखे से बांधते, दूसरा छोर अपने पैर से बांधते। बाबा साहेब ने कुर्सी पर कीले लगाई और भारत का संविधान कई कई दिनों तक लिखते चले जाते। बाबा साहेब का जब एक हाथ थक जाता था तो बाबा साहेब दूसरे हाथ से भी एक भारत का संविधान लिखते थे। उनके एक सेवक थे जिनका नाम था नानक चंद्र रत्तू जी, तो सेवा क्या करते थे बाबा साहेब की। बाबा साहेब के पैरों में दर्द रहता था, बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने कहा कि साहब मुझे घर जाना है, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। आगे सुबह आकर वो क्या देखते हैं, बाबा साहेब ने जाने के लिए कह दिया और सुबह आकर देखा तो बाबा साहेब ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ, बारिश इतनी भी नहीं आई है कि तुम बीमार पड़ जाओगे, बैठ जाओ। अरे बाबा साहेब तो लंगोटी में भीगते थे, तुमने तो साड़ी पहनी है, भीग लो आज। बाबा साहेब के बदन पर तो कपड़ा भी नहीं होता था, लेकिन हमारे बदन पर बाबा साहेब ने बहुत कपड़े दिए हैं। रत्तू जी जब सुबह आते हैं तो क्या देखते हैं कि बाबा साहेब ऐसे ही लिख रहे हैं। बाबा साहेब को आकर प्रणाम बोलते हैं रत्तू जी और कहते हैं कि बाबा साहेब के मुंह से आवाज निकल जाती है कि रत्तू तुम घर नहीं गए। और बाबा साहेब की बात को सुनकर रत्तू की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहते हैं कि बाबा साहेब रात से सुबह हो गई है, मैं तो घर भी गया, मैंने तो खाना भी खाया, मैं तो बीवी बच्चों के साथ बात करके भी आ गया, लेकिन मैं तो जैसे आपको लिखता पढ़ता छोड़ कर गया था, आप उसी दशा में ये भारत का संविधान लिखते चले जा रहे हो। आखिर आपको किस बात की चिंता है? आप अपनी भूख का भी ध्यान नहीं रखते हो, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते हो, आखिर बाबा साहेब आपको कौन सी चिंता सताई जा रही है? बाबा साहेब की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहते हैं कि रत्तू मेरे पास टाइम नहीं है। बाबा साहेब को शुगर इतनी बढ़ गई थी कि इंसुलिन के इंजेक्शन भी असर नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि रत्तू मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जो ये 60 सालों तक संघर्ष किया है, ये जो भारत का संविधान अधूरा रह गया,
तो रत्तू मेरे बच्चों के अधिकार मुझसे छिन जाएंगे, मेरा सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा और इन्हें ऊपर उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए रत्तू इस भारत के संविधान को मैं दिन रात करके लिख रहा हूँ और मुझे अपने बच्चों को इस देश का शासक बनाना है। सल्यूट मारता है रत्तू बाबा साहेब को कि धन्य है ये भारतवर्ष बाबा साहेब जहां आप जन्मे, और धन्य है ये रत्तू बाबा साहेब जिसे आपकी सेवा करने का मौका मिला। ऐसे थे हमारे बाबा साहेब और जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ये भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरा कर दिया। एक तरफ मनुस्मृति थी और एक तरफ ये भारतीय संविधान। मनुस्मृति क्या कहती थी कि एक पढ़ेगा ब्राह्मण पढ़ेगा, राजपूत लड़ेगा, बनिया व्यापार करेगा और शूद्र सेवा करेंगे। तो क्या थी मनुस्मृति? एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का अधिकार। ये था मनु का विधान, ये था मनु का विधान। लेकिन बाबा साहेब ने मनु के विधान को आग लगाई और ये भारतीय संविधान देकर सभी को क्या हक दिए कि एक नहीं सब पढ़ेंगे। इसलिए यह भारतीय संविधान कहता है कि ब्राह्मण नहीं सब पढ़ेंगे। और सब लड़ने का मतलब है अपने अपने सम्मान के लिए, अपने अपने अधिकारों के लिए। यह नहीं कि तुम जाकर किसी में भी डंडा ठोको, ये नहीं, अपने सम्मान के अपने अधिकारों की लड़ाई। तो ये क्या कहते हैं कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार और अपनी अपनी सेवा सब करेंगे। ये है बाबा का संविधान, ये है बाबा का संविधान। आपने मुझे ध्यान से सुना लेकिन मौसम मनुवादी हो गया, मेरी बहुत सारी बातें रह गई।